चलिए स्वागत है आपका फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 में कथा इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। देखिए बच्चों, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो स्टेबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। देखिए बोरोन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दो, एक प्लस थ्री और एक प्लस वन। कार्बन फैमिली में प्लस फोर और प्लस टू स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाइट्रोजन फैमिली में होता है दो, एक प्लस फाइव और एक प्लस थ्री। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैटायन की स्टेबिलिटी घटती है। बस इतनी सी बात। चलिए तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है जिंक, जर्मेनियम, टिन और पीवी। यह कार्बन फैमिली, में बच्चों जर्मेनियम हो गया, SN हो गया, पीवी हो गया, टॉप टू बॉटम है। और कार्बन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू लो वाला है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सही है। यहाँ पर देखिए ये है, ये भी कार्बन फैमिली में ही है, लेकिन इस बार जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है वो प्लस फोर, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और जर्मेनियम, टिन और पीवी जो है लेड है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी घटती है, जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ा दिया है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर SN है, SN। अब देखिए यहाँ पर जो सिक्स्थ पीरियड वाला एलिमेंट होता है ना, सिक्स्थ पीरियड वाला, बोरोन फैमिली में थैलियम हो गया, इसके वाले में कार्बन वाले में पीवी हो गया, नाइट्रोजन वाले में हो गया आपका बिस्मथ हो गया। तो सिक्स्थ पीरियड वाला जो एलिमेंट होता है इसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, बाकी इससे ऊपर वाले में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पर टिन है, तो टिन मतलब ये पीवी से पहले है, तो पीवी से पहले पीवी होता तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन पीवी से पहले ऊपर वाले में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए SN प्लस टू और SN प्लस फोर में ये ज़्यादा स्टेबल। और पीवी देखिए सिक्स पीरियड वाला, तो सिक्स पीरियड वाले में लो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब सब कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पर जो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही बात पूछा, थैलियम बोरोन फैमिली में है तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वन है, पीबी प्लस टू है और बिस्मथ प्लस थ्री है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लाइटिस एनर्जी, बच्चों लाइटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, कैटायन और एनायन का जो चार्ज होगा वो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइटिस एनर्जी जो है सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना चाहिए, तो इसको आप आयोनाइज करोगे तो के पर प्लस, एफ पर माइनस, दोनों में प्रोडक्ट का चार्ज वन ही आना है, सब में वन आना है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से नहीं होगा डिसाइड, यहाँ पर साइज से डिसाइड होगा। तो साइज देखो आप, जैसे जैसे बढ़ेगा लाइटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो इसलिए कम साइज वाले, देखिए पोटेशियम तो एक तरफ से फिक्स है लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने पर लाइटिस एनर्जी कम होगी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है द सेट ऑफ कंपाउंड। देखिए बहुत सारे कंपाउंड यहाँ का सेट दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट में KCl MgO दिया है, इसमें ये दिया है, ठीक है ना, और हर सेट में आपको वो कंपाउंड चुनना है जिसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, हायर लेटेस्ट एनर्जी। अब KCl में देखिए प्रोडक्ट, पहले हर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लगाना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्लस वन और माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वन आएगा, यहाँ पर प्लस टू और यहाँ पर माइनस टू, बच्चों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ज़्यादा लाइटेस्ट एनर्जी किसका होगा, MgO का होगा। तो पहले वाले में MgO आ गया, दूसरे वाले में बच्चों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो साइड से डिसाइड करेंगे। फ्लोरीन Li तो फिक्स है दोनों में, फ्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का साइज ज़्यादा तो इसकी लाइटेस्ट एनर्जी कम होगी, तो इसमें दूसरे वाले में लिथियम फ्लोराइड हो गया। तीसरे वाले में बच्चों इसको जब आप आयोनाइज करोगे तो N प्लस 2 यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 जाएगा, तो दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट लोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1 होगा। मतलब आपको आयोनाइज करने आना चाहिए। कैसे आयोनाइज करते हैं, AXBY इस तरह से कोई कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसको आयन्स के रूप में कैसे तोड़ोगे, तो ये जो वाई है ना इस वाई को यहाँ पर ले लेंगे प्लस के रूप में और ये जो एक्स है यहाँ पर लिख देंगे माइनस के रूप में। तो ये जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है और चार्ज भी है। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें हो जाएगा Mg3N2 हो जाएगा। तो तीनों में आपको पता लग गया कि लाइटेस्ट एनर्जी किस किस का ज़्यादा होने वाला है। तो पहले में MgO, दूसरे में Li, अब तीसरे में Mg3N2, तो D इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइटेस्ट एनर्जी। इन करेक्ट ऑर्डर में क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो इसको आयोनाइज करोगे फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 3 यहाँ पर माइनस 1 तो 3 आ रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज करोगे तो यहाँ प्लस 2 और यहाँ पर माइनस 1 2 आ रहा है, तो ये सही है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसमें 3 है और इसमें का मैग्नीट्यूड देखना है बच्चों में से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सही है, इसमें देखो इसको आप आयोनाइज करोगे तो Li पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 आ रहा है। यहाँ पर Li पर प्लस होगा और ऑक्सीजन पर माइनस 2 होगा तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 2 है, तो ये भी सही है। NaCl और LiF दोनों में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर साइज से डिसाइड होगा, है ना, साइज से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों लिथियम और सोडियम में लिथियम का साइज छोटा और फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन का ही साइज छोटा, ओवरऑल ये वाला जो है इसका साइज छोटा है, तो इसका लाइटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। अपने से इनकरेक्ट पूछा है, अपने से क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वाला मिल गया अपने को, बस यही आंसर है। और यहाँ पर भी वैसे ही देखोगे टाइटेनियम है ना और कार्बाइड है, तो यहाँ पर टाइटेनियम पर प्लस 4 आएगा और इधर भी माइनस 4 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 16 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कौन सा एटम एलिमेंट जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना, वो ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और उसी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट ए वाला कोई एलिमेंट है तो इसका प्लस 1 होता है। ग्रुप फर्स्ट ए में कौन होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सब जानते हो, ये सब जब भी आएगा तो प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ऐसे ग्रुप सेकेंड ए का कोई है तो फिर ये प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम हो गया, फिर स्ट्रॉन्शियम हो गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो इससे बहुत हेल्प मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।